हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग सेंचेजिया, एक ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक लो लाइट लाइक करने वाला प्लांट है, जो हम लोग अपनी बालकनी टेरेसेस जहां पर बहुत कम लाइट आती है वहां पर इसको रख सकते हैं। ये ग्राउंड पे तो काफ़ी टॉल हो जाता है, मगर घर में अगर पॉट में लगाते हैं तो ये 4-5 फीट तक पहुंच ही जाता है आराम से। और इसको ट्रिम करते रहें तो ये बहुत अच्छी शेप में रहता है, बहुत बुशी रहता है, बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं इसकी। और आज मैं इसकी पूरी केयर टिप्स बताऊंगी, ताकि आप इसको बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली टिप इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन आपको बहुत ही लो लाइट में रखना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर समर्स में आप इसको धूप में रख देते हैं तो इसकी जो एजेस होती हैं लीफ की, वो सारी ड्राई हो जाती हैं। तो इसको बेस्ट, इसके रिजल्ट्स के लिए इसको फिल्टर्ड लाइट देनी चाहिए समर्स में। और विंटर्स में तो ये सर्वाइव कर जाता है, फ्रॉस्ट ना हो, मगर वैसे लो टेम्परेचर्स इसको अच्छे लगते हैं। इस प्लांट में वंस अ ईयर फ्लावरिंग होती है, और वो थोड़े वार्मर सीजन जब शुरू होते हैं, फेब मार्च स्प्रिंग के टाइम, तब इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। येलो एंड ऑरेंज ट्यूबुलर फ्लावर्स आते हैं और थोड़े पंचेस में आते हैं। तो ये इस, और ग्राउंड में अगर रहता है फिर तो फ्लावरिंग बहुत कॉमन होती है, और अगर इंडोर रखते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फ्लावरिंग तभी होती है जब सनलाइट मिलती है प्लांट को, राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं पानी की रिक्वायरमेंट। ये मॉइस्चर लाइक करता है, ह्यूमिडिटी लाइक करता है, तो जैसे मैंने मिस्ट किया हुआ है इसको रेगुलरली, सेंचेजिया प्लांट को आप मिस्ट कर सकते हैं, मगर पानी, इसका जो पॉटिंग सॉइल है वो परमानेंट गीला ना रहे। अगर परमानेंट ये गीला रहता है तो इसमें भी रूट रॉट हो जाती है और ये भी डाई डाउन कर जाएगा प्लांट। सेंचेजिया में अगर पानी रह जाता है आपका डालने से एक आध दिन, और ये लीव्स ऐसी हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी मैं इसमें डालूंगी, हाफ एन आवर या वन आवर के अंदर ये दोबारा ठीक हो जाएंगी सारी लीव्स। ये देखिए, ये मैं पानी भर के डालूंगी अब इसमें। अब ये वन आवर में आराम से अपने आप ठीक हो जाएगा, ये कुछ ही देर में एकदम ठीक हो जाता है, ऐसे रिप्लेनिश्ड हो जाता है फिर से वाटर से। इसके लिए आप बहुत वेल ड्रेनिंग सॉइल ले सकते हैं। इसके लिए मैंने इसमें वेल ड्रेनिंग सॉइल लिया है, 1/4 सैंड, 1/4 कोकोपीट, 1/4 गार्डन सॉइल और 1/4 कंपोस्ट। आप कंपोस्ट में घर की कंपोस्ट ले सकते हैं बनी हुई, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और अगर वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो आप काउडंग मैन्योर भी ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी फिस्टफुल ऑफ नीम खली और बोन मील फंगिसाइड के साथ। तो अगर वेल ड्रेनिंग सॉइल और राइट साइज ऑफ पॉट लेंगे तो इसमें ओवर वाटरिंग का सीन कम हो जाता है और प्लांट ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करता है। नेक्स्ट है इसका फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर ये बहुत हाई फीडर नहीं है, इसको वंस और ट्वाइस अ ईयर अगर आप फीड करते हैं, नॉर्मली जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं, वो इसके लिए एनाफ हो जाता है। पेस्ट का अटैक इसमें होता है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। पेस्ट का अटैक इसमें जनरली होता है जब मौसम बदलता है, फेब में और मार्च में, जब इसकी फ्लावरिंग टाइम होता है, जब स्प्रिंग का ऑनसेट होता है, तब इसमें टिप्स में आप चेक कर सकते हैं, स्पाइडर माइट्स हो जाते हैं, कई बार स्केल्स का अटैक हो जाता है, कई बार छोटे छोटे एफिड्स, कई अटैक्स होते हैं। अगर आप नीम ऑयल पहले से ही स्प्रे करने लग जाए तो ये अटैक से आप बच सकते हैं, और अगर अटैक हो जाता है तब आप नीम ऑयल और लिक्विड सोप से इसको स्प्रे करके क्लीन कर सकते हैं। मिली बग्स भी कई बार आ जाते हैं इसमें। प्रोपोगेशन इसका बहुत सिंपल है। प्रोपोगेशन इसकी कटिंग से आप इजीली लगा सकते हैं इसको। इसकी थोड़ी वुडी स्टेम हो जाती है जब ये बड़ा प्लांट हो जाता है, तो इसकी थिक स्टेम लेके आप इसको रेनी सीजन में या स्प्रिंग के टाइम आप अगर लगा दें तो इजीली इसका रूटिंग हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो सेंचेजिया का प्लांट, जो इंडोर ग्रो कर सकते हो आप, और बालकनीज और टेरेसेस जिसमें लो लाइट है,
उसमें लगा सकते हो। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।